आजानु बाहु ऊंची करके बोले, रक्त मुझे देना, उसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे, पर आप ही क्यों बने? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? जो सबसे प्यारी चीज किसी डेमोक्रेसी की है वो ये कि आपको बोलने का हक। पापा नहीं देख पाया ये चीज, वो मेरे को हमेशा दुख रहेगा, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन वी वर शूटिंग दिस। जिस दिन मुझे मजा आना बंद हो जाएगा कुछ काम करने में, मैं छोड़ दूंगा वो। ही इज डेड इनसाइड, तो उसका नाम अभी लाश कर दिया गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। आपका बीबीसी हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मधु। असल दुनिया से हटने के लिए भी जरूरी था इसके का कैरेक्टर मेरी लाइफ में। अभिलाष, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब शुरुआत हुई थी इस वेब सीरीज की तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि लोग इतना पसंद कर लेंगे? एक एक वर्ल्ड है जिसको हम लोग जो सच्चा वर्ल्ड दिखा रहे हैं, हम लोग कुछ भी एग्जैजरेटेड या नकली क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो चीज हमको पता थी और दिल से बना रहे कहानी ये पता था। बट हाँ, इतना प्यार मिल जाएगा एस्पिरेंट्स को, इस कैरेक्टर को, ये आइडिया नहीं था। जो भी चीज मुझे एक्चुअली एक्साइटिंग लगती है मैं वो करता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल सटायर हो मफलमैन के थ्रू या रेडियो हो या एक्टिंग हो। कहाँ जाके रुकेगा ये नहीं पता है। जिस दिन मुझे मजा आना बंद हो जाएगा कुछ काम करने में, मैं छोड़ दूंगा वो, क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो बहुत ही इमोशंस से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ काम है, तो जहाँ दिल नहीं लगेगा वो छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका मजाक जब कभी आप करते हैं या जिसकी मिमिक्री आप करते हैं तो बहुत डर लगता है, वो कौन है? मैं एक ही कैरेक्टर को करता हूँ, मफलर मैन केजरीवाल जी का, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज है उनके बारे में कि इतने सालों से मैं वो पॉलिटिकल सटायर करता आया हूँ अब तक, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी ये चीज नहीं आई कि यार ये क्यों कर रहा है, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक किसी भी डेमोक्रेसी में। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो सबसे प्यारी चीज किसी डेमोक्रेसी की है वो ये कि आपको बोलने का हक, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे शेखर सुमन को, हम तो बिल्कुल स्कूल में छोटे बच्चे हुआ करते थे, और मूवर्स एंड शेकर्स आता था और उसमें शेखर सुमन अटल बिहारी वाजपेयी को कभी मजाक उड़ाते थे, आडवाणी भी बन जाते थे, लालू प्रसाद भी बनते थे, और हम सब मजे लेकर हंसते थे। दैट्स हाउ इट शुड बी, मतलब ह्यूमर के लिए तो ओपन रहना ही पड़ेगा थोड़ा सा सब। अगर मैं आपसे पूछूं असल जिंदगी में आपकी पसंदीदा कविता या कवि कौन है जिन्हें आप रियल लाइफ में बहुत एडमायर करते हैं? यार मैंने बहुत सारी कविताएं जब मैं बचपन में स्कूल में था तब मैंने याद की थी, तो सुभाष चंद्र बोस हैं जो सब उनके सामने नौजवान खड़े हो रखे हैं और वो बोलते हैं कि आजानु बाहु ऊंची करके बोले, रक्त मुझे देना, उसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। उस दिन देखा आंखों में हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महा रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। मैं शायद लाइंस के साथ कुछ हेर फेर कर रहा हूँ, बट ये थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने याद की थी ये कविता और ये हमेशा रहेगी। इसके अलावा एक और है जिसमें कि अंतिम चेतावनी, मेरे ख्याल से आखिरी चेतावनी, जिसमें कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं कि हा आ आ दुर्योधन बांध मुझे, वो जो कविता है, तो कुछ ऐसे क्रिएशंस हैं जो बहुत ही प्यारी रही है। और ये सब स्कूल के बाद मुझे लगता है कि कविताएं हम पढ़ना छोड़ देते हैं, जो एनसीईआरटी का, मैं तो केंद्रीय विद्यालय का पास आउट, तो जो स्कूल में हमने पढ़ा था उसके बाद कुछ खास पढ़ नहीं पाए, वो स्कूल के बाद यार कंटिन्यू करना चाहिए मुझे लगता है वो पढ़ना। इस कैरेक्टर ने मुझे वो चीज दी है कि थोड़ी थोड़ी कविताओं में थोड़ी थोड़ी यू नो उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अब जब पहली बार आप एसके के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, अपने आप को जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो किस तरह के पूरी क्या थॉट प्रोसेस था आपके जहन में कि किस तरह से मुझे इस किरदार को फ्रेम में लेकर आना है? मधु, मैं वैसे ही बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे बहुत सारे एसके जैसे दोस्त हैं, मुझे बस उन दोस्तों को समझना था कि इनमें से कौन सा दोस्त होगा जो एसके बनाना है मुझे, तो जुबान के साथ, और हम लोग रियल रखना चाह रहे थे, हम लोग कुछ भी ना कैरिकेचरिश नहीं करना चाह रहे थे इस कैरेक्टर के साथ, इस वर्ल्ड के साथ इनफैक्ट। तो उन दोस्तों में से कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, सिर्फ जुबान पर और इसकी फिजिकैलिटी पर काम करना था, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करता हूँ एसके वैसे बात नहीं करता है। जो प्रोसेस एसके की रही है, जिस तरीके सोशल बैकग्राउंड से एसके आता है, नॉट इकोनॉमिकल, सोशल बैकग्राउंड से आता है, वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको कैसे उस थॉट प्रोसेस ने चेंज किया, तो उसकी एक बैक स्टोरी क्रिएट करना, वो जो भी चीजें कह रहा है वो क्यों कह रहा है, वो और अलग है मुझसे एसके, क्योंकि बड़ा प्यारा है यार अपनी तरफ से। हाँ, थोड़े बहुत नुआंसेस एज एन एक्टर आप लेकर आते हो चीजों पर, मैं रिएक्ट करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा जरूरी था
कि मेरे एक्टर्स को एक्टर्स अच्छे हों, बड़े सही को एक्टर्स थे, तो जो भी वो लोग कह रहे थे मेरे को रिएक्ट करना बड़ा इजी हो रहा था उसपे। इस बार अगर हम पहले सीरीज की बात करें तो इसमें तो हम आपको देख रहे हैं, एसके को किरदार को देख रहे हैं पढ़ाते हुए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आती, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड सीरीज अगर दूसरा भाग जब आएगा तब उसमें उम्मीद हो। बहुत लोग ये चीज कह रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ उस सीरीज में मिला है, किसी को पीसीएस की नौकरी मिली, कोई आईएएस बन गया, किसी को एक अच्छी लव लाइफ मिल गई, लेकिन एसके एक ऐसा था जिसको कुछ नहीं मिला है। बट मुझे लगता है कि एसके को मिला यार, एसके को इतने अच्छे दोस्त मिल गए, उनकी दोस्ती वापस मिल गई, ट्राइपॉड वापस जुड़ गया है जो टूट गया था, तो एसके के लिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे कोई डायरेक्टर या कुछ राइटर्स हैं जिनकी विश लिस्ट आपने बना रखी है कि इनके साथ तो मुझे जरूर काम करना है, क्योंकि ये इनका काम आपको काफी ज्यादा इम्प्रेस करता है? यार दो लोग हैं मेरे को लगता है कि जिनके साथ तो 100% जिंदगी में काम करना है, उसके बाद हम बोलेंगे बस हो गया। एक है अनुराग कश्यप और एक है अमित शर्मा। ये दोनों इतनी, और मेरे को लगता है इन दोनों ने सिनेमा देखने का नजरिया बदला है। बधाई हो के बाद हम लोग जिस तरीके से कहानियों को देख रहे हैं वो बदल गई है। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद तो मतलब सिनेमा बनाने का तरीका बहुत हद तक बदल गया, एक नया वर्ल्ड हमारे सामने था गैंग्स ऑफ वसेपुर से। और अमित को भी मैं बोल चुका हूँ, अनुराग सर को भी मैं बोल चुका हूँ कि भाई देखो करना है कुछ, अब आप बताओ कैसे करना है। दोनों को मैं जानता हूँ और मैं तो अमित शर्मा की वजह से मुंबई में हूँ यार, उन्होंने ही मुझे सबसे पहले कहा था, वो और मनोज वाजपेयी थे, और दोनों ने मुझे कहा था कि यार तू तो सही एक्टर है, तू मुंबई आ जा। अनुभव सिन्हा है, बहुत कमाल का काम करते हैं यार, वो इमोशंस को जैसे पकड़ते हैं, उफ। तो लिस्ट लंबी है, उसके लिए एक अलग से हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। एक और सवाल जो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिसने भी ये सीरीज देखी है उसमें एक लास्ट एपिसोड में एक छोटा सा जिसके बारे में लोग कह भी रहे हैं, लाइक मतलब पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया, अभिलाष आपका नाम है और आपके जो किरदार का नाम है अभिलाष, उसकी नेम प्लेट में अभी लाश लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज है उसके बारे में लोग भी कहीं पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, लाइक मतलब किस तरह से ये गलती हो गई। यार पता नहीं मुझे कि ये कैसे, क्योंकि मेरे को तो बताया षटकोण वाला शो होता है अभिलाष में, मेरे को ये भी लगता है कि ये सब चाहते थे कि अभिलाष जो है वो याद रखा जाए, तो लोगों ने उन्होंने अभिलाष उसका नाम रख दिया और वो नेम प्लेट लगा दी। आखिरी सवाल ये रहेगा कि फैमिली का क्या रिएक्शन रहा है, बिकॉज़ जिस तरीके की सक्सेस अभी मिल रही है वो क्या कहते हैं काम को देखकर? फैमिली में बस एक ही चीज है कि पापा नहीं देख पाए यार ये चीज, वो मेरे को हमेशा दुख रहेगा, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन वी वर शूटिंग दिस सीरीज, तो वो उनका रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं नहीं करने वाला था ये काम, एस्पिरेंट शायद मैं नहीं करता अगर मेरे पापा नहीं कहते तो, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस वक्त, कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, उनकी कीमोथेरेपीज वगैरह चल रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा वक्त उनको देना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं यार ये काम इंपॉर्टेंट, क्योंकि फौज से रिटायर्ड थे मेरे पिताजी, और उन्होंने उनके लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जिंदगी में, सब कुछ बाद में आ सकता है, तो वो मुझे लगता है कि अगर वो शायद देखते तो वो मेरे लिए बड़ी सक्सेस होती, मुझे लग रहा था कि मतलब हिल से हिल थू। आज भी वो जहां से भी आपको देख रहे होंगे प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने काम को संभाला है उस दौरान भी शूटिंग को, बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप को संभालना और उस फिर उस काम में भी 100% देना जो आपने कर दिखाया इसके किरदार में। हाँ शायद होता है यार, ये एक्टिंग में शायद वही होता है कि हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं परफॉर्मेंस की दुनिया में तो असल दुनिया को हम लोग भूल जाते हैं। मेरे लिए एस्केप भी था एक तरह से, एसके का कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि जब भी मैं एसके के दुनिया में जाता था तो मैं अभिलाष की दुनिया से अलग हो जाता था, रियल अभिलाष की दुनिया से, वो मेरे लिए एक एस्केप था। जब ये जो 8 मिनट का मोनोलॉग है जिस दिन हम लोग शूट कर रहे थे, मैं उस रात घर नहीं गया था, जो स्टार्टिंग का पहला सीन है जहां पर कि वो अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं घर जाऊंगा और मैं पापा को देखूंगा तो मैं शूट पर वापस नहीं आ पाऊंगा। उस रात को मैं नहीं गया था घर, में एक होटल में एक कमरा लेकर वहीं रुक गया था करोल बाग के पास में, और उस अगले दिन मैं शूट पर गया, क्योंकि मुझे पता था कि जो रियल अभिलाष है अगर वो ये देख लेगा तो वो एसके के ऊपर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आएगा। बट हाँ यार एस्केप करने के लिए, उस असल दुनिया से हटने के लिए भी जरूरी था इसके का कैरेक्टर मेरी लाइफ में शायद।